आइए आपके सामने हमारा प्रयास। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है बिना, क्या लगता है बिना टेस्ट सीरीज के मेंस का एग्जाम निकल जाएगा? पीटी का एग्जाम इतना आसान हो जाएगा? नहीं, टेस्ट सीरीज के बिना तो आप एग्जाम देने जा ही ना। आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्री और मेंस दोनों का ही देना चाहिए, हर एग्जाम के पहले देना चाहिए। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेंस एग्जाम के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन लेके आए। वो जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन है ना, उसके अंदर आप जहां हैं, जिधर भी हैं, लाइव हम लोग रहेंगे, वीडियो ऑन रहेगा आपका भी और हमारा भी, उसके थ्रू हम आपका टेस्ट लेंगे। और वो इसको इंक्लूड कर दिया गया, उसको इंक्लूड कर दिया गया। वो जो प्रेशर होता है ना एक्चुअली में एग्जाम हॉल का, वो प्रेशर आप घर में फील करेंगे और करेंगे, और उसके बाद जो गलती पे गलती करोगे और वो जब ठीक होना शुरू होगा ना, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो उसको हमने ऐड कर लिया है। तो जिनको भी, क्योंकि जब बीपीएससी बदल रही है, हमें उससे आगे रहना है। अभी तक आगे हैं, आगे भी आगे ही रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस है। अपने एक्सपीरियंस डेफ और जो भी चीजें इतने समय से एक्वायर की है उसका, तो वो आगे रहेंगे और अभी भी हैं। ऐसे हो मेंस का क्वेश्चन हो, वहां पे उसी तरह से गाइड किया गया था स्टूडेंट को, उसी लेवल पे दिमाग में, दिमाग उसी लेवल पे तैयार किया गया था। इसीलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस बार 69 के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन लाया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि आप एग्जाम के पहले ही पूरी तरह से मेंस के लिए तैयार हो गए, कोई विकल्प ही ना। होपफुली समझ रहे होंगे। ऐप पे सब क्लासेस, सारे कोर्सेज हैं, आप जाइए और वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग सीधा टेस्ट, वो प्रीलिम्स की टेस्ट ऑलरेडी चल रही है, मेंस की 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।